चलते हैं एक बार चेक कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि सनरूफ एक बार मैं आपको खोल के दिखा दूँ, ये कुछ ऐसा है। और सनरूफ को दोस्तों चलिए अब चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। मैंने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर दिया है, तो चलिए एक बार चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू M2S कार इन्फो। आज हमारे साथ है हुंडई की एक्स्टर जो इसका टॉप मॉडल है। आज इस कार का हम फुल रिव्यू करने वाले हैं और आखिर इस कार में ऐसा क्या क्या दिया गया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं हुंडई प्रेसिडेंट हुंडई को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये गाड़ी अवेलेबल करवाई है जिसका हम आज रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं हूँ आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमें इस कार का रिव्यू व्हाट्सएप में करना पड़ रहा है क्योंकि बाहर ट्रैफिक का नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी कीज़ यहाँ पे दी गई है, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन और बूट अनलॉक का बटन यहाँ पे दिया गया है। तो अभी गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा हुंडई का लोगो दिया गया है, उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे आप ब्लैक मैट पट्टी जैसा दिया गया है जो पूरे बम्पर पे फैला हुआ है। उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक्स्टर की बेजिंग दी गई है और उसके बिल्कुल नीचे पियानो फिनिश में पूरी ग्रिल दी गई है जो पूरे बम्पर पे एंड टू एंड फैली हुई है। उसके बिल्कुल नीचे नंबर प्लेट की प्लेसिंग दी गई है और उसके नीचे एडम दिया गया है और उसके बिल्कुल नीचे मड गार्ड आप देख सकते हैं। और बात करें इसके हेडलैम्प के बारे में तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको ऑफर किए गए हैं, फॉग लैम्प यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। जो हेडलैम्प है वही फॉग लैम्प का काम करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एच शेप में DRL दिए गए और उसके अंदर ही साइड इंडिकेटर और पार्किंग लाइट दिए गए हैं। तो यह है कुछ गाड़ी का आगे का लुक। अभी एक बार इसका हम बम्पर भी चेक कर लेते हैं, बोनेट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हल्के हल्के दो कर्व्स यहाँ पे आपको मिलते हैं और इसके वाइपर्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वाइपर कुछ इस तरह के दिए गए हैं जो कि सभी गाड़ियों में नॉर्मल वाले आते हैं, एरो वाइपर यहाँ पे नहीं ऑफर किए गए। वाइपर की साइज़ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा और एक छोटा यहाँ पे दिया गया है। तो यह है कुछ गाड़ी का आगे का लुक। अभी हम गाड़ी के साइड में चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ ऑफर किया गया है। दोस्तों हम आ चुके हैं गाड़ी के साइड में और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टायर साइज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 इंच के एलॉय व्हील्स यहाँ पे ऑफर किए गए। एक बार साइज़ भी चेक कर लेते हैं, 175/65 R15 यानी कि 15 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसके बेस मॉडल में आपको 14 इंच के एलॉय टायर्स मिलेंगे और इसमें उसके ऊपर के सभी मॉडल में आपको 15 इंच के टायर्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक क्लैडिंग यहाँ से लेकर पूरी गाड़ी में पीछे की तरफ फैली हुई दिख रही है। यहाँ पे स्मार्ट ऑटो की बैजिंग है क्योंकि एक ऑटोमेटिक कार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के ड्यूअल टोन कलर के यहाँ पे ORVM दिए गए हैं जिसमें साइड इंडिकेटर ORVM पे ही ऑफर किया गया है। कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पे आप सेंसर देख सकते हैं, कीलेस एंट्री यहाँ से आप कर पाएंगे। बाकी बात करें पीछे के बारे में तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बॉडी कलर यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिज़ाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेक्सचर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पियानो फिनिश में दिया गया है और ये ड्यूअल टोन है तो आप ऊपर ब्लैक और नीचे दूसरा कलर देख सकते हैं। ये है कुछ गाड़ी का साइड लुक। बाकी साइड में आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत ही बढ़िया, मतलब गाड़ी का लुक काफ़ी एग्रेसिव बनाने के लिए ऑफर किया गया और ये साइक्लिन एंटीना भी यहाँ पे ऑफर किया गया है और रूफ रेल भी यहाँ पे दी गई है जो गाड़ी का लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रही है। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ और देखेंगे कि गाड़ी के पीछे क्या क्या ऑफर किया गया है। दोस्तों हम चुके हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पे ऑफर किया गया है और डिफॉगर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और वाइपर भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बिल्कुल नीचे हुंडई का बड़ा सा लोगो है और यहाँ पे पियानो फिनिश में यहाँ पे भी थोड़ा सा टेक्सचर दिया गया है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। और उसके बिल्कुल नीचे नंबर प्लेट की प्लेसिंग दी गई है, एक्स्टर की बेजिंग और यहाँ पे SX की बेजिंग जो कि इसका टॉप मॉडल है। उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं दो पार्किंग सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे रियर रिफ्लेक्टर है और नीचे मड गार्ड यहाँ भी ऑफर किया गया है।
बात करें इसके टेल लैंप्स के बारे में, तो यहाँ पे भी आप एच शेप में LED DRL देख सकते हैं, LED लाइटें देख सकते हैं, और यहाँ पे हैलोजन सेटअप भी यहाँ पे दिया गया है। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं हैलोजन सेटअप है, और उसके बिल्कुल नीचे साइड इंडिकेटर, पार्किंग लाइट और रिवर्स लाइट भी यहाँ पे दी गई है, जो कि हैलोजन है। तो यह गाड़ी का कुछ पीछे का लुक। अभी इसका बूट भी हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। इसका बूट है, उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स कैमरा भी यहाँ पे ऑफर किया गया है। इसका बूट स्पेस है 391 लीटर्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 391 लीटर्स का बूट स्पेस कुछ इतना है। लोड लिप थोड़ा सा है, लेकिन काफ़ी बड़ा बूट स्पेस यहाँ पे ऑफर किया गया है, और बूट लाइट भी यहाँ पे ऑफर की गई है। हुक वगैरह देखिए, तो यहाँ पे एक हुक ऑफर किया गया है, और स्पेयर टायर इसके नीचे ऑफर किया गया है, जो आपको एलॉय नहीं मिलने वाला। बाकी एक बार आप देख लें, मैं दूर से दिखा दे रहा हूँ। यह है कुछ इसका बूट, यहाँ पे पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है। तो यह गाड़ी का बूट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर और चेक करेंगे कि क्या क्या ऑफर किया गया है। दोस्तों बात करें इसके फ्रंट डोर के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्लास्टिक यहाँ पे दिया गया है। ये भी प्लास्टिक है, लगता है लेदर जैसा, लेकिन है ये प्लास्टिक। ये भी ब्लैक कलर में आपको मैट मिलेंगे, और यहाँ पे चारों विंडो के पावर अप डाउन बटन दिए गए हैं। ORVM का कंट्रोल यहाँ से दिया गया है, ये ऑटो फोल्ड ORVM है, और लॉक अनलॉक का बटन भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस मिलेगा, और यहाँ पे बॉटल होल्डर है जिसमें एक लीटर की बॉटल आप रख पाएंगे, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। तो ये है गाड़ी का कुछ डोर, जो कि पूरा ब्लैक दिया गया है। और अभी बात करें सीट्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट दिया गया है, सीट को आप रिक्लाइन कर पाएंगे, और स्लाइडेबल सीट भी यहाँ पे दी गई है। तो हम हो चुके हैं गाड़ी के अंदर। आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं, पूरा लेदर रेट है, और ये 3-स्पोक स्टीयरिंग दिया गया है, और उस पर यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे ऑडियो माउंट्स कंट्रोल यहाँ पे दिए गए, सब कुछ कॉल रिसीव कट वॉल्यूम अप एंड डाउन सब यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन दिए गए हैं, और हॉर्न की प्लेसिंग यहाँ पे दी गई। इस गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग मिलेंगे, जिसमें से एक यहाँ पे है, यहाँ पे हुंडई की बैजिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसे मैं एक बार आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बार आप इसका इंटीरियर देख ले, ये कुछ ऐसा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा जॉइंट में दिया गया है, और उसके बिल्कुल नीचे AC की प्लेसिंग है। सब आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार आप इसका इंटीरियर तसल्ली से देख ले, फिर हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्पीकर की प्लेसिंग यहाँ पे दी गई है। इस कार में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के ऑप्शन मिलते हैं। तो चलिए एक बार हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करके देख लेते हैं, जो कि पूरा डिजिटल है। दोस्तों गाड़ी को ऑन कर लिया है, तो एक बार आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख ले, पूरा डिजिटल यहाँ पे ऑफर किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड यहाँ पे देख पाएंगे, RPM मीटर वहाँ पे देख पाएंगे, गाड़ी न्यूट्रल में है, कौन से मोड में है यहाँ पे देख पाएंगे, पेट्रोल, टेम्परेचर सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो यह गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। या आपको स्टीयरिंग जो मिलेगा वो टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, सिर्फ टिल्टी मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि पूरा मतलब इसका टच रिस्पॉन्स आप देखें यार, क्या रिस्पॉन्स है, मतलब पूरा सुपर टच रिस्पॉन्स, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे इसका। और यहाँ पे सारे उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं, और उसके बिल्कुल नीचे AC की प्लेसिंग दी गई है। AC यहाँ पे 4 दिए गए, ये मतलब सर्कुलर शेप में नहीं है, और यहाँ पे जो दिए गए हैं ये वाला और वो वाला, ये दोनों सर्कुलर शेप में दिए गए, ये नहीं है, तो ये दोनों अलग दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप देख ले पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, उसके बिल्कुल नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, व्यू मतलब इस पे इससे आप डैशकैम का व्यू चेंज कर पाएंगे आगे या पीछे वाला। बाकी हाई बीम लेवलर, और उसके बिल्कुल नीचे ये ऑटोमेटिक है, तो ब्रेक और क्लच। आप एक बार इसका डैशकैम भी देखें, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, आगे और पीछे दोनों रिकॉर्ड करता है। बाकी यहाँ पे आप देख ले IRVM, तो IRVM आपको डे और नाइट मिलेगा, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। यहाँ पे दी गई फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स इस कार में बहुत ज़्यादा दिए गए, पार्किंग लाइट्स, ये पूरा डिजिटल AC, जो भी AC का स्क्रीन शो है पूरा डिजिटल है। बाकी ऑटोमेटिक AC है इस कार में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, मोड AC के, रियर डिफोगर का भी ऑप्शन यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। उसके नीचे चार्जिंग सॉकेट दिए गए, Type-C, USB Type-A, 12 वोल्ट का चार्जर सब यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर किया गया है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। और उसके बिल्कुल आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं
गियर नॉब दिया गया है, ऑटोमेटिक है तो आर एंड डी मोड, और उसके बिल्कुल आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कप होल्डर दिए गए, एक बड़ा एक छोटा, और यहाँ पे भी थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस है। हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस है, कुछ तो रख पाएंगे आप यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेक्सचर दिया गया, पूरा ऑल ब्लैक है। एयरबैग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस गाड़ी में 6 एयरबैग है मैंने पहले बताया। और डैशबोर्ड एक बार आप देख ले कितना बड़ा है, यहाँ से लेके वहाँ तक जाता है, तो डैशबोर्ड भी काफ़ी यहाँ पे बड़ा दिया गया है। बाकी यहाँ पे भी थोड़ी सी प्लेसिंग स्पेस दी गई है, कुछ रख पाएंगे। ग्लोव बॉक्स इसका चेक करें तो ये अच्छा बड़ा वाला ग्लोव बॉक्स है, ग्लोव बॉक्स है, तो उसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया बात है। बाकी इसकी सीट्स एक बार देख लें, ये सेमी लेदर सीट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पे लेदर का दिया गया, तो सेमी लेदर सीट है। और बाकी कुछ इसकी ऐसी सेटिंग है, आप देख सकते हैं मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर ली है। तो पीछे भी हम स्पेस चेक करेंगे, लेग रूम और हेड रूम। बाकी यहाँ पे चेक कर ले वैनिटी मिरर, यहाँ पे ड्राइवर साइड नहीं ऑफर किया गया है, को ड्राइवर साइड देखिए तो वैनिटी मिरर यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे रीडिंग लैंप दिया गया है, ये सनरूफ ओपन और क्लोज करने का बटन है, मैं आपको एक बार, और ये इस गाड़ी में आपको वॉइस कमांड भी मिलेंगे, सनरूफ आप वॉइस कमांड से सनरूफ भी खोल पाएंगे। तो यहाँ पे माइक दिया गया है, सनरूफ एक बार मैं आपको खोल के दिखा दूँ, ये कुछ ऐसा है, और सनरूफ को यहाँ से आप खोल पाएंगे, तो ये आप देख ले कुछ ऐसे सनरूफ यहाँ पे खुले और इसी बटन से बंद हो जाएगी, तो ये सनरूफ का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी गाड़ी का मैंने आगे का लुक आपको पूरा दिखा दिया कि क्या क्या यहाँ पे ऑफर किया गया है। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ और देखेंगे कि गाड़ी के पीछे आखिर स्पेस कितना है, कितने लोग बैठ पाएंगे, लेग रूम हेड रूम सब कुछ, और इसका साउंड भी मैं आपको एक बार ज़रूर सुनाऊंगा, तो वीडियो में ज़रूर बने रहेगा। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। दोस्तों हम हो चुके हैं गाड़ी के पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पीछे का डोर अनलॉक का बटन, मैट फिनिश जैसा आगे थी, विंडो अप एंड डाउन बटन, थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस, यहाँ पे कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे। बॉटल होल्डर दिया गया है, छोटी सी बॉटल यहाँ पे आ जाएगी, स्पीकर की प्लेसिंग। बाकी ये है कुछ इसका पीछे का डोर। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं कि आखिर स्पेस यहाँ पे कितनी मिलती है। तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और आगे की सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है, और मेरी हाइट है 5'8". तो एक बार मैं सनरूफ को क्लोज़ कर दूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही उसका व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख ले इतनी कुछ स्पेस यहाँ पे है, मतलब स्पेस काफ़ी बढ़िया है। ये लेग रूम देख ले, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट किया गया, और थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का। बाकी एक बार आप मेरा काफ़ी अच्छा हेडरूम यहाँ पे ऑफर किया गया है। बात है इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, आगे की तरफ पीछे की तरफ एडजस्टेबल है, तो ये कुछ मतलब अलग ही लगा मुझे। बाकी रियर एसी वेंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, कंट्रोलर यहाँ पे है, पीछे भी आपको चार्जर ऑफर किया गया है 12 वोल्ट का चार्जर। और इसकी सीटें एक बार आप चेक कर ले, कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पे ऑफ़र किए गए हैं। आर्म रेस्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला, हैंडल्स यहाँ पे आपको ऑफ़र किए गए हैं, पीछे भी आपको रीडिंग लैंप मिलेगा। तो मतलब स्पेस के मामले में बहुत बढ़िया काम किया है हुंडई ने, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं एक बार। दोस्तों चलिए अब चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, मैंने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर दिया है, तो चलिए एक बार चेक करते हैं। मैं थोड़ा वॉइस बढ़ा दे रहा हूँ। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के हिसाब से साउंड क्वालिटी काफ़ी मतलब बढ़िया लगी मुझे। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कार में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया फर्स्ट इन सेगमेंट बात है। इतनी मतलब
अफोर्डेबल कार आप बोल सकते हैं, उसके अंदर आपको 6 एयरबैग से लेकर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग से सिस्टम से लेकर सब कुछ यहाँ पे आपको ऑफर कर दिया गया है। मैं सारी लिस्ट स्क्रीन पे एक बार फ्लैश ज़रूर कर दूँगा, आप चेक ज़रूर कर लेना। बाकी अब हम गाड़ी के बाहर चलेंगे और बात करेंगे इसकी वारंटी से लेकर सब कुछ, इस गाड़ी में कितना इंजन आपको दिया गया है, पावर आउटपुट, इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब चलिए गाड़ी के बाहर चलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस, वारंटी, इंजन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसमें आपको 3 साल और उसके साथ अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। इसमें आपको 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें CNG भी आता है। पेट्रोल इंजन आपको इसमें 83 PS की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा और CNG इंजन आपको 69 BHP की पावर और 95 Nm का टॉर्क देगा। इसमें आपको पेट्रोल में 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा जो कि कंपनी क्लेम करती है, और कंपनी इसमें CNG में आपको 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम करती है। CNG में आपको इसमें 16 लीटर की गुड्स कैपेसिटी मिलेगी और पेट्रोल में आपको 37 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी। बाकी बात करें इसके प्राइस के बारे में तो यह है टॉप मॉडल SX जो कि सबसे टॉप है। ये 1,10,000 एक्स शोरूम प्राइस में आता है। बाकी इसकी प्राइस 6 लाख से शुरू हो जाती है एक्स शोरूम। तो अभी चलते हैं एक बार चेक कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि ये नई कार है, इसका क्रैश टेस्ट अभी नहीं हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी एवरेज से भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैंने ये गाड़ी को फिज़िकली टच किया है। तो ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, बाकी पता चलेगा क्रैश टेस्ट में, क्योंकि अभी इंडिया में भी क्रैश टेस्ट होने वाले हैं जो शायद अक्टूबर या सितंबर से शुरू हो जाएंगे। तो ये है कुछ गाड़ी की बातें। आपको कुछ भी अगर पूछना है, कुछ अगर छूट गया है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। बाकी इसका एक और फीचर है जिसमें इसमें आपको फुटवेल लाइट्स भी मिलेंगे जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, मैं जो आपको बताना भूल गया था। बाकी मैंने सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं, गाड़ी एक बढ़िया पैकेज साबित होती दिख रही है। अगर आप ऑटोमेटिक नहीं लेना चाहते हैं, मैनुअल लेना चाहते हैं तो आपको कम कीमत में मिल जाएगी। तो ये टाटा पंच को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रही है ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी मार्केट चलने दो, पता चलेगा। इसमें आपको 4 सिलेंडर मिलेगा, टाटा पंच में आपको 3 सिलेंडर मिलेगा। उस मामले में भी ये टाटा पंच से थोड़ी बेहतर साबित होती दिख रही है। तो देखते हैं मार्केट में ये गाड़ी कैसे गुल खिलाती है। बाकी गाड़ी अच्छी है, पैकेज अच्छा है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।